जोहार, जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार यानी मई 2014 से 2021 तक 121 कंपनियों की हिस्सेदारी बेच चुकी है और इसके बाद 23 और सरकारी कंपनियां बेचने की मंजूरी दे चुकी हैं। अब एक और कंपनी बेचने जा रही है। सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नॉन कोर एसेट बिजनेस यानी SCILAL की इसी महीने शेयर मार्केट में लिस्टिंग करने जा रही है। उसके बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निजीकरण के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएगी, एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। सरकार ने कंपनी की नॉन कोर एसेट को अलग कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड यानी SCILAL में विभाजित कर दिया है। डीमर्जर प्रोसेस के तहत SCILAL को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रत्येक शेयर धारक को SCILAL का एक शेयर मिलेगा। एक अधिकारी ने बताया कि SCILAL की शेयर बाजार में लिस्टिंग इसी महीने यानी जून महीने में होगी। उसके बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निजीकरण को लेकर चीजें साफ होगी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की 63.75% हिस्सेदारी है। 2019 के पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे के मुताबिक भारत में 348 सरकारी कंपनियां हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ सालों में सरकारी कंपनियों की संख्या सिमट कर महज 2 दर्जन ही बच जाएगी। ऐसा होने पर SC ST और OBC के उन युवाओं के सामने चुनौती खड़ी होगी जिन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था। देश की दूसरी सबसे बड़ी फ्यूल रिटेलर कंपनी भारत पेट्रोलियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोदी सरकार इसकी 53.3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। यहाँ पर 1 जनवरी 2019 तक 11,894 कर्मचारी काम कर रहे थे। इनमें से OBC के 2,042, SC के 1921 और ST के 743 कर्मचारी थे। इनमें 90% से ज़्यादा भर्तियाँ आरक्षण के तहत हुई थी। प्राइवेटाइजेशन के बाद वहाँ के 4,000 से ज़्यादा आरक्षित भर्तियों को भी खुली भर्ती से भरा जाएगा, यानी आरक्षण वहाँ लागू नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा असर नौकरियों पर होने वाला है। 2019 के पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे के मुताबिक सरकारी कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या आज की तारीख में 2019 के सर्वे के अनुसार करीब 15 लाख है। इसमें से 10.4 लाख स्थायी कर्मचारी है। इन नौकरियों में अनुसूचित जाति के 15%, अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% आरक्षण है। सरकारी नौकरियां विनिवेश के बाद निजी हाथों में चली जाएगी तो नौकरियों में आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आरक्षण समाप्त करने की अलग से ब्राह्मणवादियों को कोई ज़रूरत नहीं है। इससे 49.5% भर्तियां होगी जिसकी संख्या करीब 7 लाख हो सकती है। यानी सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन आरक्षण खत्म करने के लिए ही किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित क्रिस्टोफर जेफरलॉट के एक लेख के अनुसार 2003 में केंद्र सरकार में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 5.40 लाख थे, जो 2012 तक 16% घटकर 4.55 लाख हो गए। जबकि साल 1992 में OBC आरक्षण को शुरुआत हुई थी, तब से 2004 तक केंद्र की सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी 16.6% थी। 2014 आते आते 28.5% हो गई। देश में OBC की जनसंख्या करीब 52% है। आरक्षण के चलते सरकारी नौकरियों में वे बराबरी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद उनको इन नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की नौकरियों में साल 2003 में 32.69 लाख लोग थे। प्राइवेटाइजेशन के चलते 2019 आते आते 55% से ज़्यादा घटकर सिर्फ 15.14 लाख कर्मचारी ही बचे हैं। यानी 16 सालों में केंद्र सरकार की नौकरियों में 17.55 नौकरियों की कमी आई है।
अब केंद्र की मोदी सरकार और सरकारी कंपनियां बेचने जा रही है, इससे एससी एसटी ओबीसी के और कर्मचारियों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ सकती है। आरएसएस संचालित भाजपा सरकार निजीकरण करके केवल सरकारी नौकरियां ही खत्म करना नहीं चाहती, बल्कि प्रशासन में मूल निवासी बहुजनों की हिस्सेदारी ही वे समाप्त करना चाहते हैं। यह ब्राह्मणवादियों का एक एजेंडा है और वो एजेंडा कांग्रेस का भी रहा है और बीजेपी का भी रहा है। उन्होंने देखा कि महज 60 सालों में जिन लोगों को ब्राह्मणवादी अपने बगल में भी नहीं बिठाते थे, वे लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनसे ऊंचे पदों पर बैठकर उन्हें आदेश दे रहे हैं। इसके अलावा ये वही लोग हैं जो अपने साथ साथ अपने समाज का भी भला कर रहे हैं और सामाजिक आंदोलन को संसाधन देकर उसे और तेज कर रहे हैं। आज समाज में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसमें इन लोगों की बड़ी हिस्सेदारी है, बड़ा योगदान है। आज वह समाज की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। उसे तोड़ने के लिए ब्राह्मणवादी ताकतें शिक्षा एवं नौकरियों के आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। इसी का नतीजा है कि वे बड़े तेजी से सरकारी नौकरियों का, सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रही है और आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं।